हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी विथ गिरी सिस्टर्स। ओके, देन डब्ल्यू बी क्लास 8th का मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, और इस तरीके से आपका जो वीकेंड में होगा वो क्लास 10th के लिए होगा, दैट इज़ सैटरडे एंड संडे। देन आप प्लीज़ वी विथ अस, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 विच इज़ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एंड वी हैव कम्प्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 4th। देन टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे है 2.8 डेसीमीटर आंतरिक व्यास वाले एवं 7.5 डेसीमीटर लंबे एक ज्वलनशील गैस सिलेंडर में 15.015 किलोग्राम गैस रहने पर प्रति घन सेंटीमीटर कितने वजन होगा, ये हमें हिसाब करके बताना है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, और मैं जब कैलकुलेट करूँगी तो और इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ़ अ गैस सिलेंडर फॉर द फॉइल पर्पस हैविंग द लेंथ 7.5 डेसीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द इनर डायमीटर 2.8 डेसीमीटर कैरीज 15.015 केजी ऑफ गैस, द लेटेस्ट राइट बाय कैलकुलेटिंग द वेट ऑफ द गैस पर क्यूबिक डेसीमीटर। मतलब एक क्यूबिक डेसीमीटर में कितना वेट ऑक्यूपाई करता है वो सिलेंडर, ये हमें फाइंड करना है। तो जब भी ऑक्यूपाई की बात हो जाती है कि कितना रख पाएगा, इसका मतलब हमें उसका आयतन, ठीक है, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो उस गैस सिलेंडर का हमें वॉल्यूम निकालना है, और ये चैप्टर ही है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो ये सिलेंडर का यहाँ पे हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करने के बाद जो वेट दिया हुआ है सिलेंडर का, वेट ऑफ द गैस सिलेंडर से, उस वॉल्यूम का अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि वेट ऑफ वन क्यूबिक डेसीमीटर, मतलब कि उसकी सबसे छोटी इकाई में वो कितना वेट ऑक्यूपाई करता है, वहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे वेट तो पहले दे दिया है, तो पहले उसे हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 5th हम लिखेंगे वेट ऑफ दी गैस सिलेंडर। ओके, उस गैस सिलेंडर का वेट कितना है, वेट ऑफ द गैस इन सिलेंडर, ओनली गैस का वेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गैस सिलेंडर में इतना गैस रहने पे, इसका मतलब कि वेट ऑफ द गैस सिलेंडर नहीं होगा, वेट ऑफ द गैस इन सिलेंडर, ओनली गैस का हमें वेट यहाँ पे दिया हुआ है इन सिलेंडर। ठीक है, तो हम इसे इन सिलेंडर ही लिखें तो ज़्यादा सही होगा। वेट ऑफ द गैस इन द सिलेंडर इक्वल्स 15.015 kg, ये kg में दिया हुआ है। ठीक है, अब केजी को अगर ग्राम में चेंज करते हैं तो हमें क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसे हम 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको हम ग्राम में चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे 1000 कट जाएगा, दैट इज़ 15015, इतना ग्राम आ गया। ठीक है, तो वेट ऑफ द गैस इन द सिलेंडर इज 15015 ग्राम। ओके, नाउ हेयर इट इज़ गिवन द व्यास, मतलब कि क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस हमें फाइंड कर सकते हैं, दैट इज 2.8 डिवाइडेड टू, दैट इज 1.4 डेसीमीटर, ये डेसीमीटर में दिया हुआ है। ओके, तो चलो अब फाइंड करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और एच भी गिवन है यहाँ पे, पहले ही दे दिया था कि 7.5 डेसीमीटर का लेंथ है, उस सिलेंडर का जो लेंथ है वो कितना है, वो है 7.5 डेसीमीटर। ठीक है, 7.5 डेसीमीटर। ओके, तो यहाँ से हम पुट कर देते हैं वैल्यूज, 22/7, आर है 1.4, तो इसको दो बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है 1.4, और एच है कितना, 7.5। तो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है उसे लिखते हैं हम क्यूबिक डेसीमीटर, क्योंकि सारा डेसीमीटर में है, तो क्यूबिक डेसीमीटर में इसका हम लिखेंगे, इक्वल का साइन नहीं, सॉरी, क्यूबिक डेसीमीटर, यहाँ जगह नहीं था। तो अब इसे हम करते हैं कैलकुलेट, तो 7 से 7 2 0.2 आएगा, बाकी तो अब कटने वाला नहीं है, सबको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आपका 46.2 क्यूबिक डेसीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। ओके, अब हमें फाइंड करना है कि वेट ऑफ द वन क्यूबिक डेसीमीटर, मतलब एक क्यूबिक डेसीमीटर में, एक छोटा सा एक क्यूबिक डेसीमीटर में कितना वॉल्यूम होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम तो हमें, टोटल वॉल्यूम ही हमें पता चल गया, और टोटल गैस का जो भार है उसका जो वेट है ये भी हमें पता है, बट हमें ये फाइंड करना है कि वेट ऑफ वन क्यूबिक,
मतलब इस क्यूबिक डेसीमीटर में कितना वेट ऑक्यूपाई करेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो हमें बस इजली डिवाइड कर देना है वेट ऑफ वन क्यूबिक डेसीमीटर इन ग्राम, आई थिंक ग्राम में निकालना था, लिखा हुआ है किलोग्राम गैस प्रति डेसीमीटर गैस के वजन के हिसाब प्रति घन डेसीमीटर, तो घन डेसीमीटर ही दिया हुआ है। प्रति घन डेसीमीटर में कितना ग्राम होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। डेसीमीटर ऑनली डेसीमीटर लिखेंगे, कितना ग्राम ऑक्यूपाई करना ना, भार का तो यूनिट ग्राम होता है, तो इसको डिवाइड कर देंगे। टोटल हमारे पास वजन कितना है गैस का, 15015 डिवाइडेड 46.2 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। जब इसको डिवाइड करते हैं हम तो आपके आ जाएगा 325 ग्राम, क्योंकि हमने ग्राम में यहाँ चेंज कर दिया था और वेट का यूनिट ग्राम होता है, तो हम इसे ग्राम में लिखेंगे एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 5th। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी है, बस इसको डिवाइड कर देने से हमें उसका वेट मिल जाएगा। ओके, तो चलो अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नाउ ये क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। समान व्यास एवं समान ऊंचाई वाले तीन जारों में प्रथम का 2/3 भाग, द्वितीय का 5/6 पार्ट एंड तीसरे का 7/9 पार्ट एक हल्के गंधक के अम्ल से भरा गया है। ओके, गंधक आई थिंक एसिड होगा कि अम्ल से भरा गया है। इन तीनों जारों के अम्ल को यदि 2.1 डेसीमीटर वाले व्यास वाले एक जार में रखा जाए तो अम्ल की ऊंचाई इतनी हो जाती है। तो प्रथम तीन जारों का व्यास अगर 1.4 डेसीमीटर हो तो ऊंचाई कितनी है, ये हमें फाइंड करना। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे बनाते हैं। ओके, सबसे पहले ये समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन में है कि 3 जार्स यहाँ पे गिवन है, 1, 2, 3, ठीक है। अब तीनों का कुछ ऊंचाई होगा वो हमें नहीं पता है, हमें पता ही नहीं कि व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस 3 जार्स, और इन तीनों में जो भी एसिड्स है वो एक बड़े से जार में फिल कर दिया गया है, डाल दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका एसिड है इसकी ऊंचाई कुछ इंक्रीज कर गई, ठीक है, इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, ठीक है। इन तीनों जारों को हम लोग को इतना व्यास वाले रखा जाए, इतना डेसीमीटर व्यास वाले जार में रखा गया, इसका व्यास दिया हुआ है 2.1 डेसीमीटर, मतलब इसका अर्धव्यास दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस दिया हुआ है, तो ऊंचाई 4.1 डेसीमीटर हो जाती है। तो इसकी ऊंचाई जो है हाइट 4.1 डेसीमीटर हो जाती है, ठीक है। तो हमें बताना है कि प्रथम तीन जारों का व्यास अगर 1.4 डेसीमीटर हो तो उनकी ऊंचाई कितनी थी, ये हमें फाइंड करना है। ओके ओके, और ये जो फर्स्ट जार था इसमें 2/3 पार्ट इसका फिल था, मान लो इतना फिल्ड होगा, इतना इसमें यूज कर, जो सेकंड वाला था उसका 5/6 पार्ट भरा हुआ था, ठीक है, और जो थर्ड वाला था उसका 7/9 पार्ट भरा हुआ था। इन सबको हमने क्या किया, इस बड़े वाले जार में डाला, तो ये इतना फिल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे पार्ट्स दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। हमें फाइंड करना है इसका हाइट, इन तीनों का हाइट, और इक्वल हाइट कहे हैं ये, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि लेट the height of each jar equals x decimeter, क्योंकि ये decimeter में ही दिया हुआ है, decimeter है, और एक और चीज दिया हुआ है given कि radius of each jar, यहाँ पे jar equals, यहाँ पे आपका रेडियस नहीं दिया हुआ था, डायमीटर दिया हुआ था, इसको डिवाइड कर देंगे, 1.4 डेसीमीटर था डिवाइडेड 2, दैट मीन्स आ गया 0.7 डेसीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रेडियस ऑफ द ईच जार हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि पहले जार का आयतन निकालेंगे, ठीक है, दैट इज हमें पहले जार का वॉल्यूम निकालना है, दूसरे जार का वॉल्यूम और तीसरे जार का वॉल्यूम, तीनों वॉल्यूम को इसमें डालना है, इसका मतलब उसके बाद हम बड़े वाले वॉल्यूम के साथ इक्वल कर देंगे तो हमें उसकी हाइट मिल जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट जार इक्वल्स पाई आर स्क्वायर एच होता है, हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई है 22/7 मल्टीप्लाई आर, दैट इज 0.7 × h, h तो हमें पता नहीं है, तो h को हमने x मान लिया था, तो ये हो जाएगा आपका, और h के साथ ये कितना पार्ट फिल्ड था, 2/3 पार्ट, है ना, 2/3 फील्ड था इसका,
तो h के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2/3 मल्टीप्लाई एक्स। एच की जगह पे हम इस तरीके से 2/3 मल्टीप्लाई एक्स लिखेंगे, क्योंकि ये जो हाइट था इसके अकॉर्डिंग ही होगा, इतना पार्ट भरा हुआ है तो इसके साथ ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके ना, इस तरीके से हमें आ गया। अब इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पाई को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पाई को मल्टीप्लाई करने से बड़ा लेंदी हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे पाई को पाई ही रहने देती हूँ, ठीक है, और इसको यहीं से छोड़ देते हैं। नेक्स्ट करेंगे द वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड जार, सेकेंड जार वही पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई को पाई ही रहने देते हैं, आर की जगह 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 ही होगा, एंड एच की जगह पे क्या होगा, एच को हमने एक्स माना था, बट यहाँ पे हाइट इसकी जो लिक्विड है उसका हाइट अलग दिया हुआ है, कितना पार्ट फिल था 5/6 पार्ट, तो यहाँ हम लिख देंगे 5/6 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। सिमिलरली द वॉल्यूम ऑफ द थर्ड जार, थर्ड जार वही पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स पाई मल्टीप्लाई आर की जगह पे सेम मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई, ये 7/9 फील्ड था तो 7/9 इंटू एक्स, एक्स हमने हाइट माना था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीनों जारों का क्यूबिक डेसीमीटर में इसे लिखा जाता है, क्यूबिक डेसीमीटर में हमने यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड कर लिया। अब इन तीनों वॉल्यूम को जोड़ लेंगे, ओके, देन टोटल वॉल्यूम ऑफ थ्री जार्स तीनों जारों का आयतन बराबर, सबको ऐड कर लेते हैं तो पाई तो कॉमन आ ही जाएगा, साथ में साथ आपका 0.7 का स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, और एक्स भी यहाँ पे कॉमन आ जा रहा है, ठीक है, या फिर एक्स को आप ऐसे ही रहने दें, ठीक है, और सबको ऐड कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे 2x/3 प्लस 5x/6 प्लस 7x/9, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पाई मल्टीप्लाई 0.7 का स्क्वायर सबको ऐड कर दो तो आपका 18 LCM आ जाएगा, 18 सिक्स जार सिक्स टू जार 12, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 12x प्लस 15x प्लस 14x, ओके, अब सबको ऐड कर लें तो ये आपका 41x पाई मल्टीप्लाई 0.7 डी स्क्वायर 14x बाई 18 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा टोटल वॉल्यूम आ गया, ओके। अब यहाँ पे बड़े जार का भी रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, बिग जार का जो वो रेडियस दिया गया है, ओके, सल्फ्यूरिक, हाँ, ओके, देन अब सबका हमने उसमें डाल दिया था जार को, तो बिग जार जो है बिग जार रेडियस, यहाँ पे सॉरी रेडियस मैंने नहीं लिखी, रेडियस ऑफ बिग जार इक्वल्स, रेडियस से हम निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है 2.1 डिवाइडेड 2, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1.05 डेसीमीटर, ओके। तो ये हो गया बिग जार का रेडियस, अब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, देन वॉल्यूम ऑफ बिग जार या फिर लार्ज जार आप जो भी लिख सकते हो, बिग जार बड़े जार का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई को पाई ही रहने देते हैं, आर की जगह पे 1.05 मल्टीप्लाई 1.05 मल्टीप्लाई एच, यहाँ पे हाइट आई थिंक दी हुई थी 4.1 डेसीमीटर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हाइट बढ़ जाता है ना 4.1 हो जाता है 1 डेसीमीटर, ऑनली लिक्विड का ही हाइट यहाँ पे प्रोवाइडेड था तो वही यहाँ पे होगा 4.1, ओके। अब ये सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम और इसके साथ इक्वल कर लेते हैं, ओके, देन यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जब भी इक्वालिटी की बात आ जाती है ना तो हम अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लगाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों का जो लिक्विड था वो इसमें डाल दिया गया था तो वो लिक्विड इतना हो गया, इसका मतलब ये जो वॉल्यूम होगा और इन तीनों का वॉल्यूम होगा दोनों इक्वल होगा, तो तीनों को जो हमने ऐड किया था वो इतना आया था पाई मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 14x डिवाइडेड 18 इक्वल्स ये वाला पाई मल्टीप्लाई 1.05 मल्टीप्लाई 1.05 मल्टीप्लाई 4.1। अब यहाँ से पाई यहाँ पे कट गया, ओके। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेंगे और एक्स का वैल्यू निकालेंगे, बहुत ही लंबा कैलकुलेशन होगा आई थिंक सो, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.05 मल्टीप्लाई 4.1 डिवाइडेड जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा,
ये ऊपर था 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 14, और ये 18 नीचे था तो ये ऊपर को जाएगा मल्टीप्लाई 18, ठीक है। और ये जो 14 ऊपर था तो 14 तो नीचे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आज का आ जाएगा 41/20, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं तो आएगा 4.05 डेसीमीटर, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, एक्स का वैल्यू 4.05 डेसीमीटर, और एक्स हमने क्या माना था, हाइट ऑफ द ईच जार। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हाइट या फिर ऊंचाई ऑफ ईच जार इक्वल्स 4.05 डेसीमीटर। तो यहाँ से हमने फाइंड कर लिया कि इन तीनों जो जार थे छोटे छोटे, इनका हाइट कितना था, तो ये हो गया 4.05। ओके, इसी के साथ ये जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट होता है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक मुंह खुला एक लंब वृत्ताकार बर्तन के समग्र तल का क्षेत्रफल 2002 वर्ग सेंटीमीटर है। बर्तन के आधार का व्यास अगर 14 सेंटीमीटर होने पर उस बर्तन का में कितना लीटर जल अटेगा या आएगा, यह हमें बताना है। देखो, जब भी अटेगा कितना ऑक्यूपाई होगा, इस तरीके का क्वेश्चन हो तो वो वॉल्यूम से रिलेटेड होता है, तो हमें यहाँ पे एक्चुअली में वॉल्यूम ही फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस तरीके का एक जार है जिसका एक तरफ का तो मुँह खुला हुआ है, एक तरफ खुला हुआ एक तरफ बंद है, मतलब इस तरीके से सर्कल नीचे को होगा क्योंकि सिलेंडर है ना, ठीक है। तो इस तरीके से है वो, और ऊपर का मुंह खुला हुआ है, तो ऊपर का जो आपका वो नहीं काउंट किया जाएगा, सिर्फ ये हम जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसका हमें क्षेत्रफल या वॉल्यूम को ले लेना है, या और नीचे वाले पार्ट को। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो हम निकालते हैं ना कि एरिया ऑफ द ऑल पार्ट्स, और मेरे कहने का मतलब है सरफेस एरिया से। तो जो सरफेस एरिया हम निकालते हैं, मैंने बताया भी था फॉर्मूला, तो उसमें 2πRh होता है, मतलब ये जो लंबा वाला पार्ट है इसका पूरा क्षेत्रफल, प्लस πR2। बट πR2 क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर दो सर्कल होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, बट यहाँ पे एक पार्ट तो खुला है, तो यहाँ एक्चुअली में फॉर्मूला तो 2πR2 होता है, 2πR2 होता है, बट यहाँ पे 1πR2 नहीं है क्योंकि ये पार्ट खुला हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होगा, नाउ द सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर इज πR2πRh प्लस πR2। ये 2 नहीं रहेगा इसमें, ठीक है, सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ से 2 गायब हो जाएगा। तो चलो इसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ जो गिवन है वो देख लेते हैं। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज गिवन, हमें यहाँ पे हाइट नहीं दिया हुआ है, तो हाइट को मान लेते हैं कि लेट दी हाइट ऑफ दी ओपन सिलेंडर इक्वल्स एच, ओके, एंड देन रेडियस ऑफ दी ओपन सिलेंडर इक्वल्स, यहाँ पे डायमीटर इज गिवन 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम व्हाट इज गिवन हियर, दी सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर इक्वल्स 2002। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh प्लस πR2, क्योंकि ओपन सिलेंडर है तो एक पार्ट गायब है इसमें, ओके, इज इक्वल टू 2002। अब यहाँ से 2π का वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, आर का वैल्यू 7, एच हमें नहीं पता है, प्लस पाई 22/7 आर 7 × 7 इज इक्वल टू 0 हो रहा है। अभी 7 से 7 कट हो जाएगा, और सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपका ये 44 मल्टीप्लाई का साइन है, 44h प्लस यहाँ पे भी 7 × 2 = 154 आ जाएगा, 154 इक्वल्स 2002। यहाँ से h का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 44h इक्वल्स 2002 माइनस 154, माइनस कर दो तो आ जाएगा आपका 1848, दैट मीन्स h इज इक्वल्स टू 1848 डिवाइडेड 44। अब इससे इजली डिवाइड हो जाएगा, काटने पे आपका आ जाएगा 42, दैट इज 42, हाइट कितना आ गया, h इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर।
अगर हाइट आ गया तो हम इजिली यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि यही पूछ रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ड्रम, ठीक है. देन द वॉल्यूम ऑफ द ओपन सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द ओपन सिलेंडर इक्वल्स, ओपन सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच यही होता है. पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू यहाँ पे 7 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर को हमें डेसीमीटर में पहले चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है, हमें लीटर में निकालना है. तो लीटर में निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, क्यूबिक डेसीमीटर में चेंज करना होता है, क्योंकि एक क्यूबिक डेसीमीटर बराबर ही लीटर होता है. मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, आप लोग ध्यान देना, 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, ठीक है. तो हमें क्वेश्चन का आंसर चाहिए लीटर में, हाउ मच लीटर इज पूछ रहा है, हमें लीटर में चाहिए, तो हम इसका यूज करेंगे. हमें क्या करना है, सेंटीमीटर को सबसे पहले तो डेसीमीटर में चेंज कर देना है, ठीक है. तो यहाँ पे जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर से डेसीमीटर में चेंज करने के लिए उसको 10 से डिवाइड करना होगा, ठीक है. तो डिवाइड कर देते हैं, इसको भी हमें डिवाइड करना होगा, इसको डेसीमीटर में, तो 42 डिवाइडेड 10 करेंगे तो आ जाएगा 4.2 डेसीमीटर, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे भी हम चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर 10 से डिवाइड कर दें तो 0.7 डेसीमीटर. ओके, बस इजली आपको कुछ नहीं करना, सेंटीमीटर से डेसीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से डिवाइड करना होता है, तो हमने 10 से डिवाइड करके सबको डेसीमीटर में चेंज कर दिया, ठीक है. अब हम इजली पुट कर सकते हैं, आर का वैल्यू कितना है, 0.7 × 0.7, एच का वैल्यू कितना है, 4.2. अब इसको डिवाइड कर दो, 0.6 आएगा यहाँ पे, और सबको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 6.4, 6.8, 6.8. सबका पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 लगेगा, इसका भी पॉइंट हटाओ 10, इसका भी पॉइंट हटाओ 10, इसका मतलब 6.4, 6.8 डिवाइडेड 1000, ठीक है. इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 6.4 6.8 डेसी क्यूबिक डेसीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर. अब इस क्यूबिक डेसीमीटर का ही मतलब होता है लीटर, इसका मतलब इसके जगह हम इजली पुट कर सकते हैं 6.468 लीटर्स, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है. तो हमने लीटर में चेंज करने के लिए ही डेसीमीटर में चेंज किया था. तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होता है. होप कि आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया होगा, तो आप प्लीज़ चैनल के साथ जरूर बने रहिए ताकि इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिलता रहे. एंड कीप प्रैक्टिसिंग एट होम एंड सब्सक्राइब द चैनल. बाय बाय.